आज बनाने जा रही हूँ मैं चाय के संग खा सकते हैं पापड़ी। और देखो एक कटोरी मैदा लिया है और इसकी बहुत सारी बन जाएंगी। और आप दीवारी पे भी बना सकते हो। ये एक कटोरी मैदा लिया है और थोड़ी सी अजवाइन है, इसको ऐसे करके डालना है। और ये नमक है, मैं इतना नमक डाल रही हूँ, डालूंगी मैं इसमें ये तेल है 1 चमचा छोटा वाला। अब तेल को हम ऐसे मिला लेंगे और जैसे सेले बनाना है उसी हिसाब से तेल भी डालना है, उसी हिसाब से नमक भी डालते हैं। और मैंने तो थोड़े बना रही हूँ। और देखो ऐसा है जाता है, तेल इतना डालना चाहिए आप समय बिल्कुल ऐसा मिल जाता है। देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी लेकर डालना है और आटा को ऐसे ही गूंथना है। जी हमारा बढ़िया ढोल तैयार रह जाएगा लग के। देखो ये आटा लगा लिया है, इसको 5 मिनट के काजन थोड़ा ढक के रख देंगे। देखो आटा मुलायम हैगा और ऐसी लोइया बनाना है और ऐसी लोई सबकी बनाना के है और ऐसा बेलना है इनको। पतरी पतरी बेलना है, मोटी नहीं। मोटी बेलते हैं तो उसको मठरी बनता है, मोटी मोटी काट ले वो मठरी बन जाते है, इनको पतरी बेलना है। देखो ये पूरी लोई की कितनी बड़ी बन गई, रोटी जैसी बेलना है। और अब इसको काटना है। देखो अब इसको बीच में से दो करना है, इतनी बड़ी बड़ी बनाना है। देखो अब इनको तलेंगे। ये देखो कितनी बढ़िया तल गई, बहुत अच्छी, कलर भी कितना बढ़िया आया है। और गैस गरम है जाए, तेल गरम है जाए तो मतलब इसको थोड़ी कम उस पे ही आंच पे तलना है, तेल गरम होने पे वो बहुत अच्छा कलर आएगा। देखो कितनी बढ़िया बनी है, देखो बीच में ते कैसी फूली है वो। बहुत ऐसे नहीं सोचना कि लरम है, बिल्कुल खसका बनी है, बहुत खस्ती, बहुत अच्छी बनी है। देखो 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 कितनी बढ़िया बनी है।